नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और वशिष्ठ उपाध्याय। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में पहले दिन से ही बॉलीवुड के बड़े नामों की ओर इशारा किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि इनका हाथ कहीं ना कहीं सुशांत सिंह केस में है और इसीलिए सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कैंपेन भी चलाया गया। इसी का नतीजा रहा कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। वहां से जांच ईडी से होते हुए एनसीबी तक पहुंची और एनसीबी इस मामले में रोज नए नए खुलासे कर रही है। खबर है कि एनसीबी ने करण जौहर के घर हुई पार्टी की जांच शुरू कर दी है, जिसकी शिकायत मनजिंदर सिंह सिरसा ने की है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों पर कानूनी शिकंजा कसेगा और एनसीबी इन सब को पूछताछ करेगी। इस पार्टी में बॉलीवुड के कई बड़े नाम शामिल हैं। एनसीबी की पूछताछ में भी कई ऐसे नामों का खुलासा हुआ है जिन्हें लेकर पहले से ही अंदेशा जताया जा रहा था कि ये लोग बॉलीवुड में ड्रग्स के अवैध कारोबार से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब इस केस में सलमान खान, करण जौहर समेत 8 लोगों को अदालत में हाजिर होने का नोटिस मिल चुका है। ये नोटिस बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जारी किया है। अपने अहम आदेश में कोर्ट ने सलमान खान, करण जौहर समेत 8 हस्तियों को अदालत में पेश होने को कहा है। इन सबको सुशांत सिंह मामले में आरोपी बनाया गया है। जिला अदालत ने कहा है कि इन सभी को खुद या फिर अपने वकील के जरिए कोर्ट में अपनी पेशी सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने इनकी हाजिरी के लिए तारीख भी तय की है। इसके मुताबिक 7 अक्टूबर 2020 को उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। मुजफ्फरपुर के वकील सुधीर ओझा की ये याचिका पर कोर्ट ने सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, साजिद नाडियावाला, भूषण कुमार और दिनेश विजयन को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। इन सभी को इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नोटिस भेजा जा चुका है। बता दें कि वकील सुधीर ओझा ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में 17 जून को परिवाद दाखिल किया था। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए इन सभी को जिम्मेदार ठहराते हुए आईपीसी की धारा 306, 504 और 506 के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को मुंबई स्थित अपने फ्लैट में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी, जिसकी जांच अब सीबीआई कर रही है। इस मामले का लिंक अब दिशा साल्यान केस से भी जुड़ गया है और इसमें एक मंत्री का नाम भी आ रहा है। जिस तरह से बॉलीवुड गैंग पर अब शिकंजा कसने वाला है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।